नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे स्वस्थ है। वेलकम करती हूँ सबका लाइफ विद ट्रेंड में एक नए दिन और एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में बहुत बड़ा गैप हो गया। आप लोगों को तो पता ही था लास्ट आर्यन का हाथ टूट गया था, इसलिए मुझे उसको पूरा टाइम देना पड़ा और इसलिए मुझे गैप हो गया बहुत लॉन्ग। लेकिन आशा करती हूँ आप लोग ये बात समझेंगे और आगे मेरा साथ देंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि और एक चीज़ हमारी लाइफ में न्यू हुई है। हमने अपना न्यू प्रॉपर्टी ख़रीदा और उसी का गृह प्रवेश का सेरेमनी है। तो ये है सोसाइटी और अभी हम लोग आ गए हैं पहले दिन ही पूजा के। तो आर्यन पार्क में खेल रहा था तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी थोड़ा शेयर कर देती हूँ सोसाइटी का व्यू। तो ये है कुछ सोसाइटी का व्यू। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए पानी की स्प्रिंगलर्स चल रही है, चारों ओर रस्सी लगी हुई है और सामने ही आपको क्लब हाउस दिख जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड में पार्क है। तो अच्छी सोसाइटी है और हमें बहुत पसंद आई। तो चलिए आप लोगों को भी मैं दिखाऊँगी धीरे धीरे। ये है मेरे गृह प्रवेश के पहले दिन का वीडियो। तो आर्यन खेल रहा था तो मैंने देखिए वो हाथ अभी तक उसका प्लास्टर कटा नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, बहुत पहले का वीडियो है, लगभग नवंबर का वीडियो है ये, नवंबर लास्ट का। तो मैंने और कर नहीं पाई, मैं और वीडियो कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत टेंशन चल रही थी और घर से कोई आ नहीं पाया, इसलिए सब कुछ मुझे और आर्यन के पापा को ही हैंडल करना पड़ा। तो थोड़े बहुत दोस्त हमारे साथ है और उनकी हेल्प के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। और ये भी मेरी फ्रेंड है। तो सब कुछ मोटा मोटी अच्छे से हो गया है। तो देखिए ये है मेरी हाउस वार्मिंग पार्टी का वीडियो। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा शेयर ना करूँ। तो ये 27 नवंबर का वीडियो है और हमने छोटी सी एक पार्टी रखी थी। ज़्यादा लोग तो नहीं आए थे लेकिन जो हमारी कम्युनिटी के है बंगाली, बस उन्हीं लोगों के साथ ही हमने ये पूजा संपन्न की। तो आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद भी हमें चाहिए। तो गेट के पास मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन किया था। तो ये बोल सकते हमारे बहुत दिनों का सपना पूरा हुआ है और इसको मैं लगभग आपको कह सकती हूँ हर कोई जो बाहर रहता है उसको अपना आशियाना चाहिए ही होता है क्योंकि रेंट में रहना ज़्यादा दिनों तक पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर भी हमने 12 साल तो ऐसे ही बिता दिए। इस मई को हमारी एनिवर्सरी 12 साल की कंप्लीट हो जाएगी। तो लगभग आपको बता सकते हैं 12 साल से हम लोग रेंट पे ही थे। ये हमने पहली प्रॉपर्टी खरीदी तो बोल सकते बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है हमारा। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो बगल में घंटी की बटन है उसको दबा दीजिएगा तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ पूजा का अरेंजमेंट हुआ था और ये जो पंडित जी है वो भी बंगाली है तो हमारे बंगाली रिचुअल्स से ही हमारा गृह प्रवेश का पूजा हुआ है। तो पहले सत्यनारायण की पूजा होगी, उसके बाद ही होम वगैरह जो होते हैं वो होंगे। यहाँ पे मेरे सत्यनारायण भगवान विराज कर रहे हैं और इस साइड में मैंने तुलसी जी को स्थापन किया है और ये भी है शालिग्राम शिला और इस साइड में मेरे जो आराध्य भगवान हैं उनको मैंने बिठाया है। उनके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था तो मैं आज के दिन उनको तो नहीं भूल सकती। मैं सबको साथ लेकर आई हूँ और सब इस घर में विराज करे और हमें आशीर्वाद करे कि हम लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़े और अपने बच्चे के लिए भी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ उसकी लाइफ को आगे बढ़ा सकें।
यह है सत्यनारायण भगवान का प्रसाद। ये हमारे में ये भोग लगता ही है, तो ये लगा है शिनी भोग। और देखिए कलश को भी पंडित जी ने बहुत अच्छे से स्थापन किया है। और ये रहे मेरे घर के भगवान, जो मतलब मेरे मंदिर में रहते हैं, गणपति कृष्ण राधा, सॉरी राधा रानी भी आ गई, तो राधा रानी का भी आशीर्वाद हो ही जाएगा। और ऐसे ही कुछ पूजा संपन्न हुई मेरी, तो बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहिए। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा नया घर। बाद में कभी अच्छे से मैं एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी, क्योंकि इस टाइम पे ना मैं वीडियो नहीं कर रही थी, कोई दूसरा ही कर रहा था, तो उतना अच्छा वीडियो नहीं हो पाया। तो आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं शिफ्ट होंगी तो उसके बाद आपको घर का वीडियो अच्छे से दिखाऊंगी। और ये रहा किचन, किचन में भी पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा की। और यहाँ पे भी एक रिचुअल होता है जो दूध उबालने का होता है, तो अभी वही रिचुअल कंप्लीट करना है। तो मैंने पहली बार अपने किचन में चूल्हा जलाया और बहुत अच्छा लग रहा था, एक अलग ही फीलिंग्स है। मतलब इतने सालों से खाना बना रही थी, लेकिन अपने किचन में पहली बार चूल्हा जलाना मतलब एक अलग ही फीलिंग्स है। वो तो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा वो बता पाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा। তোমাদের এই নতুন ঘরে এসে ভালো লাগছে? নতুন জীবন শুরু হলো, নতুন চলার পথ শুরু হলো। আমাদের সবার তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। সুখে সংসার করো, ভালো থাকো। আর কি ভালো লাগছে, নিজের ঘর আমার দাদার হয়েছে, ভীষণ খুশি আনন্দে আমি এখন আটা মাখছি। তোমরা সবাই খুব ভালো থাকো, সুখে থাকো, নতুন জীবন হলো, নতুন বাড়ি হলো, খুব ভালো থাকো। সুন্দর বাড়ি হয়েছে, ভগবান করো উত্তর আনো আরো বাড়ি হোক। तो सभी लोग बंगाली थे, इसलिए सभी बंगाली में हमें विश किया। तो आप लोगों को तो समझ में आया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सबने अच्छी अच्छी बातें की और हमें बहुत ब्लेसिंग्स दिया। और यहाँ पे होम की भी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। और हमारी इच्छा थी कि आर्यन के हाथ का प्लास्टर करके उसके बाद ही हम ये पूजा करें, लेकिन पंडित जी ने बताया कि आगे डेट्स बहुत दूर है, तो हमें जल्दी पूजा करनी थी, इसलिए मजबूरी में करनी पड़ी। लेकिन आर्यन लगभग ठीक ही हो गया है, उसका प्लास्टर अगले हफ्ते कट जाएगा, तो ज़्यादा तकलीफ अभी उसको है नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान तो रखना ही है। और थोड़ा सा यहाँ पर अरेंजमेंट था जो भी गेस्ट हैं उनके खाने पीने के लिए, तो बस हमने ज़्यादा कुछ तो किया नहीं, जो दूर रह के थोड़ा बहुत कर सकते थे उतना करने की कोशिश की। आशा करती हूँ आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। और ये है बैल्कनी से व्यू, कुछ ऐसे माउंटेन्स दिखते हैं चारों ओर, तो व्यू बहुत ही अच्छा है। और आर्यन नेक्स्ट डे है, ये आर्यन यहाँ बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा है। हमें यहाँ पे 3 रात रहनी है, इसीलिए हम यहीं पर हैं, बाकी सब गेस्ट तो चले गए अपने घर। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक अपने घर का अलग ही फीलिंग्स है। और यहाँ पे ना धूप बहुत आती है मेरे घर में, बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक धूप रहती है। और अभी रात हो गई है और मैं सोने जा रही थी, तो वहाँ पे दूर कुछ लाइनिंग हो रही थी, तो मैं बाहर आ गई बालकनी में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये भी एक सपना था जो पूरा हुआ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया था तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।